गुड़गांव और नोएडा में ऑनलाइन मार्केटिंग और रोजगार से जुड़ी कंपनियों के बैनर तले ठगी का धंधा करने वाले गिरोह का रामपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दिखावे के लिए जॉब गुरु और राशन टाइम एवं अन्य ऑनलाइन कंपनियां खोलकर सफाई से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम होता था, लेकिन पर्दे के पीछे लोगों को कॉल कर ठगी का धंधा चलता था। ठगों ने लोगों के नंबर और नाम के लिए गूगल व इंश्योरेंस कंपनियों का डाटा इस्तेमाल किया। रामपुर पुलिस ने ऐसे मामलों से जुड़ी 5 लोगों को हरियाणा और नोएडा से दबोचने में कामयाबी हासिल की है। इन ठगों द्वारा अब तक करोड़ों की ठगी करने की संभावना है। ये गिरोह लोगों के इंश्योरेंस से जुड़ी स्टिक जानकारियां जुटाकर उनको कॉल कर अपने झांसे में फंसाते थे। इनमें से एक लड़की जो कि एमकॉम है, वो आवाज बदलने में माहिर है और शिकार को अपने वॉइस से बात कराने का झांसा देकर स्वयं ही बात करने में भी काम करती थी। ये ठग लोगों को विभिन्न इंश्योरेंस स्कीमों से अच्छा मुनाफा होने का लालच देकर उनके द्वारा बनाए गए फर्जी खातों में पैसा शिकार से ट्रांसफर करवाते थे और उसके बाद संबंधित व्यक्तियों का डाटा अपने पास रखते थे। इस ठगी से जुड़े लोग ठगी के बाद शिकार का नंबर दूसरे ठग को पास ऑन करने के काम भी करते थे। उसके बाद दूसरा गिरोह ठगी में जुड़ जाता था। काफी लंबे समय तक एजेंट का काम करने के बाद ये शातिरों ने देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के पॉलिसीज का विवरण डाटा जुटाया। इसके अलावा ये शातिर गूगल से किसी भी संस्था को सर्च कर उसके कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर चुरा लेते थे। डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि रामपुर पुलिस ने 72 लाख की ठगी मामले में जांच शुरू कर दी थी और पहले एक ठग काफी खोजबीन के बाद उनके हाथ लगा था। उसके बाद नोएडा से 4 ठग भी पकड़े गए हैं। उन्होंने लोगों से फोन से बैंक या अन्य जानकारी लेने वालों से सावधान रहने की अपील की है। बहुत खुशी का दिन है कि एक जो 72 लाख का पिछले दिनों भी रिपोर्ट किया गया था केस, जिसमें 72 लाख की ठगी हुई थी, उसके जो मुख्य अभियुक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको पूछताछ के लिए इनके गाजियाबाद से लाया था। क्या लगता है? जो आरंभिक पूछताछ में पता चला है, इस तरह का अकाउंट इनके पास अभी भी है, जो कुछ इनके शिकार लोग हैं जिनसे पैसा अभी भी डलवा रहे थे। और लोगों से मेरा आगे भी अभी आग्रह रहेगा कि पुलिस हमेशा कह रही है लोगों को कि जो भी जिस तरह की टेलीफोन कॉल आती है, उस लोग उसके झांसों में आते हैं। तो आज मेरा फिर से एक बार निवेदन है लोगों से कि कोई भी कॉल आती है टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैसेज आता है, फेसबुक के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं कि आप करोड़पति बन गए, ये आपको इनाम मिला है, आप ये करवाइए, आपको इतना फ़ायदा होगा, या बैंक से हम कॉल कर रहे हैं, अपना पिन नंबर बताइए, अपना अकाउंट नंबर बताइए। तो इस तरह के झांसे में ना आए और कोई भी अपनी सूचना, अपने बारे में अपनी व्यक्तिगत जो सूचना है आपकी, वो कहीं भी शेयर ना करें। इसके अलावा जो हम अपने KYC के डॉक्यूमेंट देते हैं बैंकों में या कहीं और, उसका पूरी तरह वेरीफाई करिए कि हम किसी अनजान